मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप पर रोक लगाने का फैसला लिया है, जिसके बाद आम जनता ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। इसी कड़ी में प्रयागराज की जनता ने पीएम को धन्यवाद करते हुए कहा कि चीन से देश के मौजूदा हालात में ये बेहतर पहल है, क्योंकि चीन भारत के साथ विश्वासघात कर रहा है। ऐसे में चीन के साथ भारत की डिजिटल ऐप स्ट्राइक चीन को तोड़ने का काम जरूर करेगी। जहाँ तक मेरा मानना है, चीन की वर्तमान में जो नकारात्मक हरकत है उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत सरकार का ये तात्कालिक निर्णय स्वागत योग्य है और इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, जो भारत में युवाओं और बच्चों को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने का जो एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म बन गया था, इस बैन होने की वजह से उनकी मनोस्थिति पर कुठाराघात प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, और चाइना अगर अपनी हरकतों से बाज आ जाए, अपनी हरकतों को, नकारात्मक हरकतों को बंद कर दे, तो कालांतर में भारत सरकार इस पर पुनर्विचार कर सकती है। अगर चाइना हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत स्वाभाविक है आने वाले समय में इसके विकल्प के रूप में कोई स्वदेशी तरीका डेवलप कर लेगा। आम जनता ने कहा कि लोग अब देसी ऐप अपनाएंगे और नए ऐप बनाने में देश के लोगों को ही रोजगार मिलेगा। कितना सही डिसीजन मानते हैं और क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत अच्छा डिसीजन है, भारत सरकार का डिसीजन अच्छा है। इससे मालूम है कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इससे भारत में जो कुछ लोग थे, समय भी वेस्ट होता था, नुकसान होता था, वो बचेगा। बाकी स्वदेशी अपनाएंगे, अब भारत को भी ऐसे ही ऐप कुछ बनाने चाहिए, इसके पैरेलल ऐप बनाना चाहिए, जिससे कि जो भाई इस पर अपना कुछ कला का प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपना नृत्य संगीत है, उस पर बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार का एक सकारात्मक निर्णय है, जिससे कि हम चीन को कम से कम ये दिखा सकें कि हम आपके बगैर भी, आपके ऐप के बगैर भी हम चल सकते हैं, हम स्वदेशी अपना सकते हैं। और भारत सरकार को एक सकारात्मक कदम उठाते हुए हमारे इंजीनियर, हमारे युवाओं के लिए कम से कम एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, जिससे कि हम अपना ऐप बना सकें। हम अपने ऐप के माध्यम से कलात्मक रूप से जो टिकटॉक का है, उसमें हम अपने ऐप के माध्यम से अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकें। गौरतलब है कि टिकटॉक जैसे ऐप ने भारत के हर युवा को अपनी आगोश में ले चुका है, जिसका युवा पीढ़ी पर खासा असर पड़ रहा था। साथ ही इन ऐप से जानकारी लीक होने का भी खतरा था। वहीं ऐप पर रोक के फैसले के बाद अब आम जनता भी खुद चीन के ऐप को अनइंस्टॉल कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।